बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तहसीन कुरैशी है और ये मेरे भाई हैं फुफेरे, और ये भी मेरे फुफेरे भाई हैं जी। मरहूम जो है मेरे चाचा थे, मोहम्मद शरीफ नाम था उनका। ये ओड़मगड्डा ब्रिज के पास जो है, रेलवे ब्रिज के पास उनका एक्सीडेंट हो गया, और ये लापरवाही की तरफ से जो है ना उनका एक्सीडेंट हो गया। रात सुबह जो है ना 7 बजे एक्सीडेंट हुआ। तो आपको कैसा मालूम कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? उनको जो है ना पुलिस वाले जो है ना फोन करे, और उनके जेब में से आधार कार्ड निकला। हाँ। आधार कार्ड के जरिए हम लोगों को फोन आया, फोन के जरिए से हम लोगों को मालूम हुआ। क्या एज थी उनकी? उनकी एज थी साहब 37-35। शादीशुदा थे वो? शादीशुदा है, एक बच्ची है उनकी जो है ना 6-7 साल की बच्ची है उनकी। क्या काम करते थे? उनको जो है ना मटन का काम करते थे, मेरी दुकान है तालाब कटे में, मेरे पास काम करते थे। शायद हो सकता है उन्होंने दुकान के लिए आ रहे थे होंगे सुबह सुबह, उनका एक्सीडेंट हो गया। रहते कहाँ पे? उन्होंने जो है ना नवाब साहब कुंटे में रहते थे, पहले सुल्तानशाह में रहते थे, अब नवाब साहब कुंटे में रहते। तो ये एक्सीडेंट ही हुआ, कैसा मालूम आपको? हम लोग को तो कुछ नहीं मालूम कि सुबह में जो है ना पुलिस वाले फोन करे, पुलिस वालों के थ्रू हम लोग को मालूम है। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं अब? हुकूमत से हम ये चाह रहे हैं कि ब्रिज का जल्द से जल्द काम किया जाए, और जो है ना और किसी की जो है ना मौत ना हो इसकी तरफ से। लेकिन ये जब से ये ब्रिज का काम चल रहा है करीब 3 साल होने आ गए, कई लोगों की जान चले गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जिसमें आपके भी घर वाले हैं? जी हाँ, उसमें भी मेरे भी घर वाले हैं, मेरे चाचा है कुछ, और जो है ना इसका जल्द से जल्द काम किया जाए, फिर और जो है ना किसी की मौत ना हो, इसलिए मैं हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ब्रिज का काम करूँ। शुक्रिया। भाई मेरा नाम मोहम्मद तय्यूब कुरैशी है, जो वरमगड्डा रेलवे गेट के पास जो एक्सीडेंट हुआ एक ट्रेन से, वो मेरे मामू अकास कोटापल्ली में रहते, अंदर यहाँ पर नवाब साहब कुंटे की तरफ, उनसे हमारी बहन रहते हैं, खाला रहते हैं उनकी बहन, जो इंतकाल हुआ उस बच्चे के खाला बहन रहते हैं यहाँ पर, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, उस दौरान पे एक्सीडेंट हो गया उनका। जो रास्ता ही क्लियर नहीं रहने की वजह से रोड क्रॉस कर रहे थे, पटरियाँ क्रॉस करने की वजह ये है कि आपका ये मकसद है कि ये ब्रिज जो 3 साल से रुका हुआ है काम, ये ब्रिज बन रहने के लिए की वजह से इधर उधर से लोग जो पासिंग करे उसके अंदर इनका एक्सीडेंट हुआ है? ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया उनका। ठीक। और हुकूमत से हम ये गुजारिश करें कि कुछ उनके लिए जो है ना एक बेटी है, कुछ उनके लिए कुछ मदद करें हुकूमत से, और उनका कोई पूछने वाला नहीं है, और हुकूमत से हम ये चाह रहे हैं कि कुछ उनके लिए मदद करें हुकूमत की तरफ से। एक बेटी है उनकी 6 साल, बस और कुछ ना कहना। आपका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है। अभी अभी यहाँ पर जो सुबह एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट मतलब ये ट्रेन से हुआ है? हाँ, ट्रेन से ही यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला था। तो मेरे मामा थे वो, तो यहाँ पर लोग जो है ना उनको देख के करके पुलिस वालों को बुलाए, और वही पुलिस वाले क्या है मालूम, आधार कार्ड निकाल कर जी। उनका जो भी है शनाख्त देखे, हम अब कॉल करेंगे जी। और हम यहाँ पर आए, और आने के बाद हम देखे यहाँ पर, और एक्सीडेंट की वजह से हम ये भी देखे यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ा ब्रिज से भी बहुत लापरवाही है, यहाँ पर ब्रिज का काम भी जल्द से जल्द नहीं हो रहा, उसी दौरान ये रोड क्रॉस करने में जो है ना पटरियों पर ये हादसे हो रहे हैं। हुकूमत से हमारे बस यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये